Hello everyone, welcome to my channel Mindset. Today we will talk about some interesting facts about heart. So let's get started. दिल बहुत संभाल के रखिए जनाब, यह बहुत कीमती है. कीमती तो आप भी हैं हमारे लिए और ये पोस्ट भी, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं हर्ट के बारे में गजब रोचक जानकारी जो आपने ना तो कभी पढ़ी होगी और ना ही सुनी होगी. चलिए पहले लोगों का कुछ एक कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, क्योंकि जब भी वो हार्ट का सिंबल बना रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं वो, या फिर कभी भी किसी को अपने प्रति लव या फेथ दिखाना हो तो कुछ इस तरह का हार्ट वो सेंड करते हैं अपने मोबाइल में. ये क्या मतलब हुआ इतना सारा हार्ट? ये देखिए इतने तरह का हार्ट होता है. अब इसका क्या मतलब हुआ कि दिल हवा में उड़ रहा है, और जबकि हमारा हार्ट तो कुछ इस तरह से होता है. तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं. सिद्धांतों में से एक से पता चलता है कि दिल के सिंबल की उत्पत्ति का पता सिल्फियम नामक एक प्राचीन पौधे से लगाया जा सकता है. सिल्फियम विशाल सौंफ की एक प्रजाति थी जो कि साइरन के ग्रीक उपनिवेश के पास उत्तरी अफ्रीका समुद्र तट पर उगती थी. वहाँ के लोग इसे मसाले, औषधि के रूप में, लेकिन जन्म नियंत्रण के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे. इसके सुरक्षात्मक गुणों का उल्लेख विभिन्न प्राचीन लेखकों और कवियों ने भी किया है. तथ्य यह है कि यह पहली शताब्दी ईस्वी तक विलुप्त हो गया था. इसकी लोकप्रियता के बारे में कुछ प्राचीन चित्रों पर सिल्फियम का बीज आधुनिक हृदय आकार जैसा दिखता है. इस सिद्धांत के अलावा कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि दिल के आकार की उत्पत्ति अन्य पौधों से भी हुई है, जैसे आईवी के पत्ते. इसके पत्ते दिल के आकार के आप देख सकते हैं इस तरह हैं, और वाटर लिली के भी पत्ते हैं जो कि दिल के आकार के हैं. दूसरा यह भी है कि आपने दो हंसों को आपस में मिलते हुए देखा होगा. जब वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक हर्ट का सिंबल बनता है जिसे लोग लव या फेथ का सिंबल भी मानते हैं. चलिए अब जानते हैं अपने ओरिजिनल हर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट. आपका दिल लेफ्ट या राइट साइड में नहीं, बल्कि छाती के बिल्कुल बीच में होता है. मानव का दिल एक बार धड़कने से 70 ml और एक मिनट में 4.7 लीटर और पूरे दिन में लगभग 7,570 लीटर और जीवन में लगभग 16 करोड़ लीटर खून पंप कर सकता है, जो कि एक नल के 45 साल तक खुले रहने के बराबर है. आपका दिल शरीर से अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहे, क्योंकि इसका खुद का एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है. हर दिन आपका दिल इतनी एनर्जी पैदा करता है कि एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और पूरे जीवन में चांद पर आने जाने के बराबर है. आपके दिल का वजन 250 से 350 ग्राम है. यह 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा, यानी आपकी दोनों हाथों की मुट्ठी के आकार का होता है. आपका दिल एक मिनट में 72 बार और पूरे दिन में लगभग 1,00,000 बार और पूरे जीवन में लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है. हार्ट अटैक आने के चांस सबसे अधिक सोमवार की सुबह और साल में सबसे अधिक क्रिसमस डे के दिन होता है. मंडे और क्रिसमस डे का हार्ट अटैक से क्या संबंध है, आइए जानते हैं. पार्टियों में शामिल होने वाले लोग ज़रूरत से ज़्यादा शराब और स्मोकिंग के अलावा ऑयली और फैटी खान पान करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी और भी बढ़ जाती है.
छुट्टियों को लेकर लोग शनिवार रात से ही पार्टी में बिजी हो जाते हैं। इसे हॉलीडे सिंड्रोम कहा जाता है। हॉलीडे सिंड्रोम इंसान के शरीर में मौजूद केमिकल्स को भी प्रभावित करता है। फिर अगले दिन रविवार को काम पर जाने का स्ट्रेस, जिसे मंडे ब्लूज कहा जाता है, यह दिल के दौरे का कारण बन जाता है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन एक नई रिसर्च में एक खुलासा हुआ है कि सर्दियों में एक खास दिन हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 10 बजे के आसपास हार्ट अटैक पड़ने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। दिल के धड़कने पर जो थम थम की आवाज़ आती है, वह दिल में पाए जाने वाले 4 वाल्व के खुलने और बंद होने की आवाज़ से बनती है। आपका बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से आकार में छोटा होता है, क्योंकि उसे दिल को जगह देनी पड़ती है। महिलाओं के दिल की धड़कन पुरुषों के मुकाबले हर मिनट 8 ज़्यादा होती है। आई एम श्योर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच।